इस टाइम मैं लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे एक शिकारी उस तरफ और था कार के बैठे हैं। तो ये कहानी शुरू कैसे हुई ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमने सोचा कि यार मिडलसब्रा की वीडियोस बना बना के लोगों को दिखा दिया, आज हम लीड्स जाएंगे। लीड्स में दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कवर करेंगे। और बहुत सारे लोग यार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछते थे, डिफरेंट सिटीज़ के बारे में पूछते थे। तो आज से हम बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट करने लगे जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे और उनकी स्टोरीज़ आपसे शेयर करेंगे। बेसिकली हमारा मकसद है कि हर बंदे की यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टोरी है, मेरी अपनी डिफरेंट स्टोरी है, ये अबरार साहब है अबरार साहब की डिफरेंट स्टोरी है, ये कासिम साहब अभी आए हैं इनकी डिफरेंट स्टोरी है। तो हमारा मकसद है हर बंदे की डिफरेंट स्टोरी आपसे शेयर करना। अगर आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, तो हम आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाएंगे। एलडी के अंदर हमें जो है वो फ्री पार्किंग मिल गया, जो कि सिर्फ 90 मिनट्स के लिए। अभी हम लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी में जो है वो बेसिकली हम जा रहे हैं और जाके हम देखेंगे कि यार कोई स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं जो सिटी के बारे में बताएं या बेसिकली हमें जो है वो यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, ताकि जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं यार उनकी जिस हद तक मदद हो सकती है मदद करें हम। लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी मैप पर लगाई हुई है लेकिन मिल नहीं रही अभी तक। मेरे साथ दो और भी यूट्यूबर मौजूद हैं, ये भी यूट्यूबर बनने वाले हैं और इनका तो आप जानते हैं। ये कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे, वो सर्वेयर का बेसिकली ये कोर्स वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैट्रिक के बाद ये अपने जो गोरे होते हैं ना ये काम करना शुरू कर देते हैं, यानी काम सीखना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है ना यार पहले एफ एस सी करनी है, फिर इंजीनियरिंग करनी है, फिर मास्टर करना है, फिर डिसाइड करना है कि मैंने काम क्या करना है। तो ये मैट्रिक के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि काम क्या करना है। फाइनली जी लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी ये हमारे पास आ गया। अभी तक जी जितना टाउन में मैं फिर चुका हूँ, बड़ा खूबसूरत सा इलाका है और बड़ा मतलब कहते हैं कि आपको एक दफ़ा फील आती है कि आप यूके आए हुए हैं। मिडलसब्रा में हमें इतनी फील नहीं आती, उसकी वजह यह है कि वो छोटा सा टाउन है तो रश भी कम है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए छोटा टाउन इसलिए बेहतर रहता है कि रश कम होता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तकरीबन हर जगह पे उतनी होती हैं। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे मुझे एक लंदन वाली फील भी जो है वो आ रही है, यानी आपको फील होता है कि आप यूके आए हैं। इस टाइम मैं लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बैठा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे देख भी रहे हैं कि ये भाई बहुत ही कोई शूटिंग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में तकरीबन सारी फिर हम आपको भी थोड़ी सी दिखाई है। यूनिवर्सिटी में ये जो सिटी कैंपस है ना ये इतना कोई बड़ा नहीं है, मतलब ये एक बिल्डिंग के अंदर बेसिकली जो है वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे यहाँ पे अंग्रेज़ स्टूडेंट्स ही नज़र आए हैं, कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी, सरदार भी मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं। तो यूनिवर्सिटी की अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो अभी तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्सिटी ठीक है पढ़ाई के लिहाज से, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक ये बिल्डिंग है, एक साथ बिल्डिंग है, एक उस साइड पर बिल्डिंग है, उस साइड पर बिल्डिंग है। बिल्डिंग्स जो है ना ये बेसिकली डिफरेंट, यूँ समझे कि एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, एक स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग है, इस तरह डिफरेंट कार के चीज़ों की बिल्डिंग्स जो है वो बनी हुई हैं। तो बेसिकली अगर ओवरऑल मैं अभी तक इस यूनिवर्सिटी को रेट करूं तो कैंपस शायद उतना बड़ा नहीं होगा, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और अच्छी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी इसका दूसरा कैंपस है, दूसरे कैंपस में भी जाएंगे, वहाँ पे हेडिंगली कैंपस है, कुछ कोर्सेज जो है वो इस जगह पे होंगे, कुछ कोर्सेज हेडिंगली कैंपस में होंगे। हेडिंगली कैंपस मैंने सुना है, जो एक हमारी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ती हैं उन्होंने बताया कि हेडिंगली कैंपस अगर आप जाते हैं तो आपको एक फ़ील आती है कि आप यूके आ गए। जो छोटे होते मूवीज़ में देखते थे ना कि यार यूनिवर्सिटी लंदन की यूनिवर्सिटी और एक पता चलता था कि यूनिवर्सिटी है, वो जो है वो आपको हेडिंगली कैंपस में नज़र आएगी। तो चलेंगे वहाँ भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो इस टाइम हम लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले चुके हैं और यूनिवर्सिटी हमने अंडर जाके देखी है। बड़ी जो सिटी कैंपस है ना हमें ये इतना बड़ा नहीं लगा, ये छोटा सा कैंपस है, इसमें तीन चार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उस बिल्डिंग्स के अंदर काफ़ी सारे अंग्रेज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स आपको नज़र आएंगे। फीमेल स्टूडेंट्स काफ़ी सारे मुझे नज़र आएंगे, जो इंटरव्यू तो नहीं देना चाह रही थी लेकिन मेल स्टूडेंट्स दो ने इंटरव्यू दिया
अगर वो इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने जो है वो चैनल में डाला हुआ, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा यह है कि यार सिटी की मैं जहाँ तक बात करूँ तो अभी सिटी सेंटर में हम तकरीबन फिर रहे हैं इस टाइम पे, और ये लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही सिटी सेंटर है, 5 मिनट की वॉक के साथ ही। तो ये समझे कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली सिटी सेंटर के अंदर ही है। अभी हम ट्रेवल करेंगे टूवर्ड्स दी अदर कैंपस, दैट इज़ बेसिकली दी हेडिंगली कैंपस। हेडिंगली कैंपस सुना है कि उसमें आपको लंदन वाली वाइब आएगी, आपको ऐसी वाइब आएगी कि एक शाहरुख खान है जो एक रिच बाप की औलाद है और वो एक लंदन की एक हैवी किस्म की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और गोरियाँ गोरियाँ और मज़े ही मज़े, वो आपको फील हेडिंगली कैंपस में आएगी। तो ऐसा चल के हम देखते हैं वाकई ऐसी फील आती है या सिर्फ बातें बनी हुई हैं। मैं इस टाइम बेसिकली लीड्स सिटी के अंदर जो है वो फिर रहा हूँ, उसका ये एक पार्क है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये बेसिकली टाउन सेंटर के करीब जो है वो मैं फिर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बेसिकली जुड़वा शहर आप इसको कह सकते हैं, लीड्स और ब्रेडफोर्ड बेसिकली साथ साथ दो सिटीज़ हैं। यहाँ पर दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी, सेकेंड जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड। ये सिटी मुझे इसमें जो कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा लगी है वो अंग्रेज़ कम्युनिटी लगी है। इस सिटी को ये भी कहा जा सकता है कि ये जो सिटी है बेसिकली लंदन के बाद अगर कोई बड़ा सिटी यहाँ पे डेवलप्ड सिटी है तो उसको हम लीड्स को भी उसका नाम जो है वो ले सकते हैं। ये थोड़ा साउथ साइड पर, कुछ लोग जो है वो नॉर्थ साइड पर रहते हैं, ये बेसिकली साउथ साइड है। दूसरी अगर मैं इसकी बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, एकोमोडेशन की, तो यार जॉब्स यहाँ पर बहुत हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो फील्ड की जॉब भी कर रहे हैं, मुझे स्टूडेंट मिले जो कि फील्ड की जॉब कर रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे थे रेस्टोरेंट में, टेक अवे में और बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यार बहुत हैं, बस ये है कि आपको ढूंढनी आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकोमोडेशन कितनी महंगी है यहाँ पर। अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो अकोमोडेशन यार डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे अकोमोडेशन ढूंढते हैं। बाज़ अवकात अकोमोडेशन आपको बड़ी चीप भी मिल जाती है, बाज़ अवकात अकोमोडेशन आपको बड़ी महंगी भी मिलती है। अकोमोडेशन की अगर रेंज बात करो तो 350 से लेके 450 तक आपको एक अच्छी अकोमोडेशन सिंगल में आपको मिल ही जाएगी, 350-450। ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो 350 में रह रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो 400-450 में भी जो है वो रह रहे हैं। डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट्स यहाँ से ब्रेडफोर्ड भी रहने चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से मैनचेस्टर भी रहने चले जाते हैं। डिपेंड करते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल रही है। एक या दो दिन मास्टर वाले स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स के हैं उनकी क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो अगर तो आप बैचलर्स कर रहे आ रहे हैं तो फिर आपके लिए टफ हो सकता है, आपको यूनिवर्सिटी के करीब ही रहना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी क्योंकि टाउन सेंटर के अंदर है तो टाउन सेंटर में बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट के अंदर, टेक अवे के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर आपको जॉब्स मिल जाती हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं। बस ये है कि आपको ढूंढनी आनी चाहिए। तो अगर आप सितंबर इनटेक में लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के देख रहे हैं या लीड्स के अंदर आप रहना चाह रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ मैं इस यूनिवर्सिटी को रैंक करूँगा तकरीबन 10 में से 7-8, क्योंकि इसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, 10 में से 10 तो नहीं कर सकते लेकिन यह कि 7-8, और सिटी भी बड़ा अच्छा है, डेवलप सिटी है, बहुत सारे यहाँ पर जो है वो जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कम्युनिटी आपको सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी आपको अंग्रेज़ों की मिलेगी। तो अंग्रेज़ों की जो कम्युनिटी होती है ना वो आपको डेवलप करती है, वो आपको डीमोटिवेट नहीं करती, मोटिवेट करती है। क्योंकि देसी जो कम्युनिटी है ना लीड्स के अंदर वो तो जाहिर है फिर जिस भी जगह पे जो देसी कम्युनिटी होगी वो तो आपको ये कहेगी यार इतने ना आवी, इतने बड़ी जलालत है। बोला आखिर हम दूसरे कैंपस में आ गए हैं। ये अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये बड़ा सा कैंपस, ये सारा ये बेसिकली हेडिंगली कैंपस है। पता नहीं यार छुट्टी है आज या क्या वजह है, स्टूडेंट्स हमें कुछ खास नहीं नज़र आ रहे, सारे के सारे दूसरे सिटी कैंपस में हमें स्टूडेंट्स नज़र आए थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स उतने नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वाइब ज़रूर आ रही है, यहाँ पे पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी है। अगर ये पीछे आप मेरी बिल्डिंग देखें और इस साइड पर ये वाली अगर बिल्डिंग देखें तो आपको एक दफ़ा लगेगा कि यार ये कोई अंग्रेज़ों वाली यूनिवर्सिटी है। जैसे पहले ज़माने में शाहरुख खान एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते थे लंदन में, जो कि एक रिच किड होते थे, तो आपको एक रिच किड वाली यहाँ पे फीलिंग हो सकते आएँ अगर आप सारी फीस दे के आएँ। अगर आप थोड़ी सी फीस दे के आएंगे तो हो सकता है आप फीस ही जमा करें और रिच किड तो आपको फील नहीं होगा। तो फिर एक और भी पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम टी साइड यूनिवर्सिटी में जाते थे तो स्टूडेंट्स हमें देख के दूर से उनको पता चल जाता था कि भाई आए हैं शिकारी, तो हो सकता है उनको यहाँ भी पता चल गया कि शिकारी आ रहे हैं आज लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी में, तो वो कहीं
छुप गया। तो फाइनली ये मैं इसके मेन हेडिंगली कैंपस में यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। स्टूडेंट्स मुझे उस तरह बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी की वाइब आ रही है। यानी आपको ये पीछे कैंपस में नजर आ रहा होगा कि यार यूनिवर्सिटी है। तो लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी ओवरऑल इट्स अ फाइन यूनिवर्सिटी, यू कैन से कि फीस भी मैनेजेबल है, सिटी भी बड़ा अच्छा है, और अच्छी बात यह है कि यार यहाँ पे गोरे और देसी मिक्स है। अगर देसी और गोरे मिक्स होंगे तो फिर ही आपको जो है वो आपकी ग्रूमिंग जो है वो ज़्यादा होगी। अगर आप सिर्फ आप देसियों में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ देसियों, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने के बजाय हो सकता है नीचे चले जाए और आप रोज़ बरोज डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। अगर आप गोरे के साथ रहेंगे तो फिर आपको पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर होती जाएँ। तो ओवरऑल जो लोग लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं वो आए, ज़रूर आए, लेकिन ये है कि एक हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट मिले, उन्होंने बताया कि यार पहले जो हालात थे अब उस तरह के हालात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर तो आपके पास फीस तकरीबन 70% है या 50% या 60% है अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं, फिर तो ठीक है। अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं और आपके पास फीस सिर्फ आप वही इनिशियल डिपॉजिट दे के आए हैं, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है भाई, क्योंकि शुरू के 3-4 महीने हर स्टूडेंट के लिए मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बहुत फीस है, आपको पीछे फैमिली सपोर्ट करने वाली है ड्यूरिंग स्टडी के बाद, तो फिर आपकी मर्जी होती है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं और जो मर्जी आप करें। फिर जॉब्स मिल जाती हैं क्योंकि फिर फुल टाइम वर्क लाओ होता है, और फिर आपके इतने ताल्लुकात बन चुके होते हैं कि आपको जो है वो जॉब्स मिलने में कंपेरेटिवली आसानी होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको जो है वो आपकी फ़ीस नहीं आप पीछे से फैमिली सपोर्ट कर सकती और आपने सारी की सारी यहाँ के कमानी है, तो भाई फिर थोड़ा सा आपके लिए जो है वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैनेज नहीं हो सकती, मैनेज हो सकती है, लेकिन पक्के होके आना। फिर आपने जेन ये बना के आना है कि यार मैंने दिन रात मेहनत करनी है और स्टडी को भी मैनेज करना है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो सकती हैं। इसी तरह मज़ीद हम जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में विज़िट करते रहेंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिव्यू देते रहेंगे, स्टूडेंट से भी पूछते रहेंगे। अगर आप यूके के अंदर हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, और आप हमें अपनी यूनिवर्सिटी का जो है वो रिव्यू देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी सिटी में आएँ और आपकी सिटी के बारे में हम जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाएं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, या आप कोई इन्फॉर्मेशन या कोई रिव्यू शेयर करना चाहते हैं किसी भी कहानी के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं ख़ुद आपसे कॉन्टेक्ट करके आपके सिटी तशरीफ़ लाऊँगा और खाना भी मेरी तरफ से होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो भाई जब इतनी वीडियो आपने देख ली है तो सब्सक्राइब भी कर दो, मेहरबानी है।